पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कोल्ड वेव शुरू हो गए हैं। लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। शीतलहर की वजह से पारा गोता लगा रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी, पंजाब और बिहार तक कोहरे और कोल्ड वेव के डबल अटैक ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। लेकिन डराने वाली बात यह है कि सर्दी का ये सितम तो बस ट्रेलर भर है। आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। दिसंबर में पड़ रही है कांपने वाली ठंड, जनवरी में पड़ने वाली है सर्दी और भी प्रचंड। नए साल पर होगा भयंकर कोल्ड अटैक, जनवरी में पड़ेगी खून जमा देने वाली सर्दी, राजधानी दिल्ली में 4 डिग्री का टॉर्चर, कहीं गलत तो कहीं शीतलहर का अटैक। देश के बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी और सर्दी के सितम के रूप में कुदरत का कहर टूट रहा है। हाड़ कपाने वाली सर्दी से लोगों का हाल बेहाल। पहाड़ी राज्यों से लेकर उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और जिस तरह से ठंड ने इस बार आगाज किया है उसे देखते हुए मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर नई वार्निंग जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर भारत के लोगों को अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। क्रिसमस के बाद ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा, साथ ही सुबह में घना कोहरा भी छाएगा। मौसम विभाग ने 26 और 27 दिसंबर को घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं 5 से 7 जनवरी को पश्चिमी यूपी तक विक्षोभ का असर भी देखने को मिलेगा, जिसके बाद देश के ज्यादातर हिस्सों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे पहले